प्रदेश की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से हुआ शुरू। नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई शपथ। देश में मनाया जा रहा 71वां सेना दिवस। देश की सेना पूरी तरह मुस्तैद। नागौर के स्टेडियम में अस्त्र और शस्त्रों की लगाई प्रदर्शनी। प्रयागराज में पहले शाही स्नान के साथ हुई दिव्य कुंभ की शुरुआत। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने किए पुख्ता बंदोबस्त। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का प्रकोप जारी। सामने आए 850 से ज्यादा पॉजिटिव। रोकथाम के लिए बनाई विशेष टीम। घर घर किया जा रहा सर्वे। और भारत ने दूसरे क्रिकेट वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। 3 मैचेस की सीरीज में 1-1 से बराबरी। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया। विधानसभा के सत्र में प्रोटेम स्पीकर गुलाबचंद कटारिया ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। इससे पहले सरकार ने विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक पदों पर नियुक्तियां की और स्पीकर के चयन की तिथि घोषित की। महेश्वरी, जो विधानसभा का सदस्य की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और अक्षुण रखूंगी। जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति शुभकामनाएं नए वर्ष की भी और नए सत्र की भी। उम्मीद करते हैं कि ये सत्र भी आने वाले सत्र है। और इस बार जब हम सत्ता में जीत के आए हैं उसमें कई कारणों में एक कारण ये भी है कि पिछली गवर्नमेंट परफॉर्मेंस को, उसके फैसले को जन जन याद कर रहा था, पूरे प्रदेश के अंदर, गांव ढाणियों के अंदर। उसका भी कारण है कि इस बार हमारी सरकार बनी है। मेरी यही प्राथमिकता होगी कि इस गौशालाओं से जुड़े हुए अनुभवी संत महात्मा आदरणीय और साथ ही गौशालाओं से जुड़े हुए सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण जिनको इसका अनुभव है, मैं एक संगोष्ठी का आयोजन करने का मैंने प्लान तैयार किया है। उन सबको आमंत्रित करके इस समस्या से, जो आज गोवंश अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है इस हमारी धार्मिक संस्कृति में, जिसका सभी देव देवताओं का निवास बताया गया है, इस गोवंश को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है ताकि उनको भी एक उचित रहने का स्थान मिले। प्रश्न यही है कि गाय आवारा नहीं होनी चाहिए और आने वाले दिनों में सरकार को भी और समाज को भी इस मुद्दे पर सजगता से भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि गाय क्योंकि संस्कृति से जुड़ी हुई है, साथ ही साथ किसानों के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खेती और फसलों को नुकसान
और किसानों की पूरी रातें की नींद हराम होती है। केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को सम्मान से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि सरकार को, जो पिछली सरकार ने गौशालाओं के पुष्टि के लिए उनको सक्षम बनाने के लिए जो योजनाएं कारगर रूप से शुरू करी थी, मुझे लगता है कि इस सरकार के भी बजट का एक अच्छा हिस्सा गो स्वावलंबन के लिए, गौशालाओं के लिए और इस तरीके से किसानों को गोवंश से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसी ठोस रणनीति की आवश्यकता है, ठोस योजना की आवश्यकता है। राजस्थान की सरकार ने एक अजीबोगरीब आदेश जारी किया है, उन लोगों का सम्मान करना करेंगे जो आवारा पशुओं को पालने का काम करेंगे। वो शायद भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान की धरती वो धरती है जहाँ भगवान कृष्ण को पूजा करते थे जो गोपालक थे, और इस प्रकार के आदेश के बजाय अगर सरकार ये आदेश करती कि आवारा पशुओं के लिए हमें जहाँ कहीं भी पशु शिविर लगेंगे उन पशु शिविरों को पूरा अनुदान देंगे, या जो हमने अनुदान प्रारंभ किया था पंजीकृत गौशालाओं को उनको दुगना करेंगे, तो बात समझ में आती। लोकसभा के चुनाव को लेकर इस तरह के पैंतरे और जुमलेबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। देश में आज 71वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। उन्होंने ब्रिटिश कमांडर इन चीफ फ्रांसिस बूचर से इंडियन आर्मी की कमान ली थी। तब से इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। सेना प्रमुख ने जवानों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी सक्रियता और मजबूती के साथ हमारी सेना ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिस कारण उनको जान और माल दोनों का भारी नुकसान होता आ रहा है। हम दुश्मन को चेतावनी देते हैं कि किसी भी प्रकार की शत्रुपूर्ण कार्रवाई पर हम भारी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे। हमारे पश्चिमी पड़ोसी देश आतंकवादियों को सहायता जारी रखे हुए है, हमारे घुसपैठ विरोधी ऑपरेशंस जारी हैं और रहेंगे। अपनी सीमाओं की सुरक्षा की लगातार समीक्षा करते रहेंगे और हमारे जवान इस कार्रवाई में किसी प्रकार का समझौता नहीं होने देंगे। सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पूर्ण रूप से पालन होता रहेगा। जम्मू कश्मीर के आंतरिक इलाकों में हमने अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल से शांतिपूर्व अमरनाथ यात्रा तथा सुचारू रूप से पंचायत चुनाव करने की परिस्थितियां बनाई गई। विरोधी एजेंसियां हमेशा जाल बिछाने और लोगों को गुमराह करने या झूठी खबर फैलाने की तलाश में रहती हैं, इसलिए हर सैनिक को सुरक्षा निर्देशों तथा प्रतिक्रिया का पालन करना जरूरी है। सोशल मीडिया का उपयोग करते समय भी हमें सतर्क रहना होगा। हमारे परिवारों को भी सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए। आज थल सेना दिवस के मौके पर नागौर के स्टेडियम में बीकानेर छावनी की ओर से अस्त्र और शस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। बीकानेर के बाद पहली बार किसी जिले में इस तरह आम जनता के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी को लेकर नागौर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आर्मी डे है, सेना दिवस है, जितने शहीद हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं, उनको सम्मान। नॉर्मली जो हथियार आज ऑपरेशंस में लड़ाई में काम में आते हैं वही हथियार और टैंक आम जनता को दिखाने के लिए बीकानेर में प्रोग्राम किया जाता है, और पहली बार ये बीकानेर से बाहर नागौर ज़िला में किया जा रहा है। और उसका मेन मकसद है कि ये हमारी सेना है, ये हमारे हथियार हैं,
और आम जन उनको देख नहीं पाते, और ये अवसर है कि बच्चे और आम जन इनको देख सकते हैं, छू सकते हैं और ये कैसे ऑपरेट होते हैं ये समझ सकते हैं। बहुत से ज़िले हैं जिनमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेज सभी में जाने के लिए बहुत जोश है। झुंझुनू, सीकर, अलवर, नागौर, ये चार पांच हमारे ऐसे ज़िले हैं जिनमें से आर्मी में, एयरफोर्स में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, नेवी में लोग खूब जाते हैं। तो उनको और प्रेरित करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ नए प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं एनसीसी मैंडर ऑफिस प्रियंका जांगिड़ हूँ और मैं आज इन सबको देख के बहुत ही खुशी और एक्साइटेड फील कर रही हूँ कि नागौर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सशस्त्र सेना दिवस मनाया जा रहा है। बच्चों में बहुत ही जोश है, यहाँ के जो हथियार लेके आए दिखाई, प्रदर्शनी जो लगाई गई, बच्चों को बहुत अच्छा लगा है कि हमारी सेना इस टाइप के यूज करते हैं हथियार। लोकसभा चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित कैबिनेट मंत्री और विधायकों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनावों के बारे में विभिन्न जानकारी दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आज लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर चेरिस मैथसन ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से उनकी ये शिष्टाचार भेंट रही। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मकर संक्रांति पर्व पर शाही स्नान के साथ महाकुंभ मेले का आगाज हो गया। अखाड़ों के शाही स्नान के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की ये शुरुआत है। सुबह 5 बजे से शुरू हुआ स्नान पूरे दिन जारी रहेगा। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच नहाने और पूजा पाठ का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में शुरू हो रहे पवित्र कुंभ मेले की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि मुझे आशा है कि इस अवसर पर देश विदेश के श्रद्धालुओं को भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं के दर्शन होंगे। सिर्फ करोड़ों लोगों के एकजुट होने का ही पर्व नहीं है, यहाँ आने वाले करोड़ों लोगों के जरिए पूरा देश उसमें आने वाले करोड़ों लोगों के बीच होने वाला संपर्क और संवाद हमारे देश को दिशा देता है। कुंभ में आने वाले करोड़ों लोगों के साथ ही करोड़ों विचारों का प्रवाह भी भारत को समृद्ध और सशक्त बनाता है। कुंभ का पर्व भारत और भारतीयता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये पर्व भाषा, भूषा और भिन्नता को खत्म कर एक होने की प्रेरणा देता है। ये पर्व हमें जोड़ता है, ये पर्व गांव और शहर को एक करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सही तस्वीर यहां दिखती है। अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ विभाग मंत्री सालेह मोहम्मद ने आज शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में हज यात्रा 2019 का ऑनलाइन बटन दबाकर कुर्रा खोला। सालेह मोहम्मद ने सबसे पहले अजमेर जिले का कुर्रा खोला। उन्होंने बताया कि हज यात्रा 2019 के लिए करीब 10,750 आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि 6,000 हज यात्री राजस्थान से भेजें। यात्रा के लिए एक टीम का गठन भी किया जाएगा जिससे कि यात्रियों को हर तरह की सुविधा मिल सके और उनका सफर यादगार और खुशनुमा हो। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का प्रकोप जारी है। प्रदेश में अब तक करीब 850 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे अधिक मामले जोधपुर में सामने आए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इसकी रोकथाम के लिए करीब 1200 से ज्यादा चिकित्सा कर्मियों की टीम बनाई है जो कि घर घर जाकर सर्वे कर रही है। आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में भी इसका इलाज संभव है। जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान के निदेशक प्रोफेसर संजीव शर्मा ने आयुर्वेद ने बताया कि स्वाइन फ्लू पर आयुर्वेद में भी ऐसे उपचार है जिनसे स्वाइन फ्लू पर काबू पाया जा सकता है।
का नियंत्रण राजस्थान में या जयपुर में किया जाए, ये सारी बातें वहाँ पर तय हुई और जो जो प्रोटोकॉल वहाँ पर तय हुआ था उस प्रोटोकॉल को हमने अपने संस्थान में, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सालय में भी शुरू किया है। और लोगों की जानकारी के लिए हमने स्वाइन फ्लू सेंटर जो है यहाँ पर एक हेल्प सेंटर स्थापित किया है जो 24 घंटे जानकारी लोगों को देता है, या इस तरह का कोई रोगी, पॉजिटिव रोगी या जहाँ शंका है जिस रोगी को, वो आए तो हमारे पास उसके लिए टेस्ट की सुविधा भी है और चिकित्सा की या रोकथाम की सुविधा भी हमारे पास है। केंद्र सरकार की ओर से 2015-16 के लिए पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर को पुलिस उपनिरीक्षक प्रशिक्षण के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए पुलिस प्रशिक्षण से जुड़े सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। वहीं राष्ट्रीय संगोष्ठी सूचना का अधिकार आज से जोधपुर के एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज और राजीव गांधी युवा विकास संस्थान पेरुमदूर की मेजबानी में शुरू हुई। 3 दिवसीय संगोष्ठी में देश भर से करीब 50 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। संगोष्ठी समन्वयक डॉक्टर जनक सिंह मीणा ने बताया कि सूचना का अधिकार शासन और प्रशासन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है। केवल राज्य में, पूरे भारत में शासन प्रशासन व्यवस्था के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आम लोगों के लिए है। इस कानून के समक्ष आज भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी संभावनाएं हैं और इसी को हम यहां विचार और मंथन के लिए इस विषय का रखा गया है। जयपुर के जल महल पर प्रवासी पक्षियों का मेला लगा है। इस मेले में विभिन्न प्रजाति के पक्षी शामिल हुए हैं। पक्षियों को देखने के लिए देशी और विदेशी सैलानियों के साथ ही स्थानीय लोगों का भी वहां पर तांता लगा रहा। उदयपुर के मेनार गांव के तालाब पर कई प्रवासी पक्षियों ने डेरा डाल रखा है। इसमें शॉर्ट ईयर वाले उल्लू प्रजाति खास देखी गई है। इन्हें देखने के लिए पक्षी प्रेमियों का सुबह शाम तांता लगा हुआ है। पेश है खास रिपोर्ट। हिमालय पार्क से वर्षों बाद राजस्थान के उदयपुर पहुंचे शॉर्ट ईयर की प्रजाति मीट विंटर वाटरफॉल सेंसस 2019 को कई मायनों में खास बनाने वाला है, क्योंकि प्रवासी पक्षियों के लिए बड़ा हब माने जाने वाला मीनार तालाब और वल्लभ नगर तालाब के आसपास शॉर्ट ईयर वाले उल्लू की एक प्रजाति को देखा गया है। बहुत सारी सेंचुरी में बायोलॉजिकल पार्क टहरों में और फॉरेस्ट एरिया में कामों से मैं जुड़ा रहा हूं। जंगली जानवरों को देखने का मुझे अनुभव भी रहा है, मौके भी मिले हैं। और जैसा कुछ दिन से हम अखबार में न्यूज़ भी पढ़ रहे हैं और हमारे दक्षिण राजस्थान के बहुत सारे जो बर्ड वाचर्स हैं उन्होंने शॉर्ट ईयर डाउल जो कि उल्लू की एक प्रजाति है उसको देखा है। और इसका अगर सिर पर देखें तो पंखों की एक छोटी छोटी उभरी बनावट लगती है जैसे सींग हो। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में एक वर्कशॉप आयोजित की गई। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन के सहयोग से हो रही वर्कशॉप में स्कूली बच्चों को थिएटर के बारे में जानकारी दी गई। 2 दिवसीय वर्कशॉप में काफी संख्या में स्कूली विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। भारत ने आज ऑस्ट्रेलिया को दूसरे क्रिकेट वनडे मैच में 6 विकेट से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के 39वें शतक और महेंद्र सिंह धोनी की नाबाद 50 रनों की साझेदारी रही। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 299 रनों का लक्ष्य दिया था। जैसलमेर के रामगढ़ के सरकारी अस्पताल में एक महिला के प्रसव के दौरान बच्चे के सिर के धड़ से अलग होने की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने पीड़ित महिला के स्वास्थ्य और कार्य में लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मुख्य सचिव से 4 हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं बात करें मौसम की तो राजस्थान में तापमान में गिरावट और शीतलहर के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। वहीं चूरू में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जहां का तापमान 0.4 सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री, सीकर में 3.5,
अजमेर में 5.3, कोटा में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन शीतलहर के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 दिनों में शीतलहर जारी रहने और कुछ स्थानों पर कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। और अब विधानसभा समीक्षा। पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा के प्रथम सत्र के पहले दिन आज सदस्यों को शपथ दिलाई गई। सर्वप्रथम विधानसभा के सचिव ने राज्यपाल द्वारा अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति और उनके समक्ष सदस्यों द्वारा शपथ लेने और अस्थायी अध्यक्ष की सहायता के लिए 3 सदस्यों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचनाएं पेश की। उन्होंने अस्थायी अध्यक्ष गुलाबचंद कटारिया द्वारा राज्यपाल के समक्ष सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना भी पेश की। बाद में अस्थायी अध्यक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सभापति पैनल के 3 सदस्यों भवनलाल शर्मा, परसराम मोरदिया और महादेव सिंह खंडेला के अलावा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बाद अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। बाद में अन्य सदस्यों को हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार शपथ दिलाई गई। सदस्यों के एक एक कर नाम पुकारे गए और उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद अस्थायी अध्यक्ष से हाथ मिलाया और विधानसभा के रजिस्टर में हस्ताक्षर किए। अधिकांश सदस्यों ने ईश्वर के नाम पर हिंदी में शपथ ग्रहण की। अनेक सदस्यों ने संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में शपथ लेना पसंद किया। कुछ सदस्यों की राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की इच्छा संवैधानिक बाध्यता के चलते पूरी नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने ईश्वर के नाम पर हिंदी में शपथ ग्रहण की। धर्म नारायण जोशी, जोगेश्वर गर्ग, वासुदेव देवनानी, पवाराम विश्नोई, अशोक लाहोटी, छगन सिंह राजपुरोहित, विठल शंकर अवस्थी और मदन दिलावर ने संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण की। जाहिदा और प्रशांत वैरवा ने अंग्रेजी में शपथ ली। गजेंद्र सिंह शक्तावत और गिरधारी लाल सहित कुछ सदस्य राजस्थानी भाषा में शपथ लेना चाहते हैं, लेकिन आसन से इसकी अनुमति नहीं दी गई। तो आपको बता दें कि ये थी विधानसभा समीक्षा। और चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 15 खबरें। प्रदेश की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से हुआ शुरू। नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई शपथ। देश में मनाया जा रहा 71वां सेना दिवस। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा, देश की सेना पूरी तरह मुस्तैद। थलसेना दिवस के मौके पर नागौर के स्टेडियम में बीकानेर छावनी की ओर से अस्त्र और शस्त्रों की लगाई प्रदर्शनी। प्रदर्शनी को लेकर नागौर में खासा उत्साह। लोकसभा चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस की बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आज लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर चेरिस मैथसन ने की मुलाकात।
प्रयागराज में पहले शाही स्नान के साथ हुई दिव्य कुंभ की शुरुआत, लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने की पुख्ता बंदोबस्त। अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ विभाग की ओर से आज हज यात्रा 2019 का खोला कुर्रा। हज यात्रा के लिए करीब 10,000 आवेदन हुए प्राप्त। राज्य से 6,000 से अधिक हज यात्री भेजने के किए जाएंगे प्रयास। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का प्रकोप जारी, सामने आए 850 से ज्यादा पॉजिटिव। रोकथाम के लिए बनाई विशेष टीम, घर घर जाकर किया जा रहा सर्वे। केंद्र सरकार की ओर से जोधपुर को पुलिस उपनिरीक्षक प्रशिक्षण के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में घोषित किया गया सर्वश्रेष्ठ। पुलिस महानिदेशक ने दी बधाई। राष्ट्रीय संगोष्ठी सूचना का अधिकार आज से जोधपुर में मेजबानी शुरू। देश भर से करीब 50 से अधिक प्रतिभागी ले रहे भाग। जयपुर के जलमहल पर प्रवासी पक्षियों का मेला, विभिन्न प्रजाति के पक्षी हुए शामिल। पक्षियों को देखने के लिए पहुंचे देशी विदेशी सैलानी। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में वर्कशॉप आयोजित, स्कूली बच्चों को थिएटर के बारे में दी जानकारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर जिले के सीआरपीएफ जवान महेश कुमार मीणा के शहीद होने पर व्यक्त की संवेदना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों से हुए मुठभेड़ में शहीद। भारत ने दूसरे क्रिकेट वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी। और प्रदेश में सर्दी का दौर लगातार जारी। मौसम विभाग ने 2 दिनों में शीतलहर जारी रहने की जताई आशंका। अनेक स्थानों पर कोहरा छाए रहने की संभावना। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।